हेलो गाइस, आज है महाशिवरात्रि और महाशिवरात्रि के अवसर पे आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं। और हम अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए हम भोलेनाथ से यही प्रार्थना करेंगे कि उनकी सारी विशेष पूरी हो, सारी मनोकामनाएं पूरी हो, वो अपने जीवन में हमेशा खुश रहे, जो चाहते हैं उन्हें वो सारी चीज़ें मिले। सो गाइज़, आपको स्क्रीन पे तो दिख ही रहा होगा कि ये बिल्व पत्र है, जिसे हम बिल्व पत्र के नाम से भी जानते हैं। भगवान शिव के पूजन अभिषेक में इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर इसे हम औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाए तो यह आपकी कई सेहत की समस्याओं से समाधान हो सकता है। यकीन नहीं आता तो बिल्व पत्र के होने वाले सेहत के इन 5 फ़ायदों के बारे में आप ज़रूर जानिए। सो गाइज, आप मेरी वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। चलिए हम आपको बताते हैं कि इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। बुखार होने पर बेल के पत्तों का आप काढ़ा बना के पीते हैं तो आपके लिए काफ़ी ही तुरंत आराम मिल जाता है। यदि मधुमक्खी आपको काट ले तो बहुत ही जलन हो रही है, तो उसके काटने पर भी आप बेलवे पत्र के रस को मिला के आप वहाँ उस काटने वाले स्थान पर लगा सकते हैं, उससे भी आपकी जलन जो है कम हो जाएगी। हृदय रोग में भी बेलवे पत्र का काफ़ी ही प्रयोग किया जाता है और बेहद ही फायदेमंद साबित हो सकता है। बेलवे पत्र का काढ़ा बना के पीने से हमारी जो हृदय होती है वो काफ़ी ही स्वस्थ हो जाएगी और जितने भी हार्ट अटैक का खतरा होता है वो कम हो जाएगा। जैसे कि श्वास रोगियों के लिए भी अमृत के समान इसको माना जाता है। इन पत्तियों का रस पीने से जो भी श्वास रोग होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। शरीर में गर्मी बढ़ाने पर या मुंह में गर्मी के कारण जो छाले पड़ जाते हैं, तो बेल की पत्तियों को मुंह में रखकर चबाने से आपके जो छाले हैं वो एकदम जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। बवासीर, आजकल एक आम बीमारी हो गई है। खूनी बवासीर तो बहुत ही तकलीफ देने वाला रोग है। बेल की जो जड़ होती है, गुदा पीस कर आप बराबर मात्रा में मिश्री मिलाकर उसका चूर्ण बना ले और इस चूर्ण को सुबह शाम आप ठंडे पानी से ले। यदि पीड़ा अगर आपको अधिक हो रही है तो दिन में 3-4 बार लें। इसे बवासीर में फ़ौरन आराम मिलेगा, आपके दर्द जो है ठीक हो जाएंगे। जिसको खूनी बवासीर है, वो आपके बवासीर से अगर खून आता है तो वो भी खून आना बंद हो जाएगा। यदि किसी कारण से बेल की जड़ आपको उपलब्ध नहीं हो सकता है तो बेल का जो फल होता है ना, उसका गूदा ले और सौंफ और सौंठ मिलाकर आप उसका काढ़ा बना ले और उसको सेवन करें। इससे करने से एक हफ्ते में आपको बवासीर में काफ़ी आराम मिलेगा। किसी के गाइस पेट और आंतों में कीड़े हो जाते हैं। बच्चों में ये आम देखने को मिलता है और दस्त हमेशा उनको लगती रहती है। डायरिया की प्रॉब्लम हमेशा बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलती है, तो इस वजह से जो है बेलपत्र का जो रस आप बच्चों को देंगे तो उनके जो कीड़े हैं वो दूर हो जाएंगे और उनके जो डायरिया की प्रॉब्लम है वो एकदम ठीक हो जाएगी। सो गाइस, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वंस अगेन, महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब पे भोलेनाथ की कृपा बनी रहे।